हेलो गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स एंड ऑल माय डियर फ्रेंड्स वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस वीडियो वी आर लर्निंग अबाउट द इनवर्स हाउ द इनवर्स क्रिएटेड एट फर्स्ट। सबसे पहले सर्वप्रथम इनवर्स का निर्माण हुआ कैसे आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। और खास बात ये कि आप लोग को मैंने लास्ट वीडियो में और सबसे पहले वीडियो में इनवर्स का मैंने कुछ मेन पॉइंट बताया था, मुख्य बिंदु जो कि वहां पे कुछ प्लैनेट की बात किए थे, कुछ स्टार की बात किए थे और ब्रह्मांड में बताए थे हम। तो इस वीडियो में हम एक एक करके वन बाय वन करके पढ़ेंगे और उसके बारे में सीखेंगे। तो ब्रह्मांड कैसे उत्पत्ति हुई, ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, कहाँ से आई, तो इसकी उल्लेख विभिन्न कई वैज्ञानिकों ने अपने अपने अलग अलग सिद्धांतों से बताए हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट है आपको सामने बोर्ड पे चार सिद्धांत लिखा गया है जिनमें से एक बहुत इम्पोर्टेंट है और यही इम्पोर्टेंट माना गया है। जैसे कि पहला है महाविस्फोट सिद्धांत, तो इस सिद्धांत को प्रतिपादन करने वाले थे एब जॉर्ज लेमेंटियर। ठीक है, एब जॉर्ज लेमेंटियर ये व्यक्ति, ये जो साइंटिस्ट है, ये कहाँ के रहने वाले थे, बेल्जियम के रहने वाले थे। रहने वाले कहाँ के थे, बेल्जियम। अगर क्वेश्चन कहा जाए एब जॉर्ज लेमेंटियर किस देश के रहने वाले थे, तो बेल्जियम जवाब होगा। और इन्होंने कौन से थ्योरी को प्रतिपादन किए थे, तो बिग बैंग थ्योरी को, मतलब महाविस्फोट सिद्धांत को। ठीक है, तो ये सिद्धांत आपने समझ गए। और सेकंड है सतत सृष्टि सिद्धांत, मतलब हमारे जो ये ब्रह्मांड है उसकी रचना, उसके सिद्धांत है। तो इस सिद्धांत को प्रतिपादन करने वाले कौन थे, थॉमस गोल्ड एवं हरमन बॉडी। कौन गोल्ड, थॉमस गोल्ड और हरमन बॉडी ने दोनों मिलकर इस सिद्धांत को प्रतिपादन किए थे। और थर्ड है आपका दोलन सिद्धांत, ये दोलन सिद्धांत जो है पुल सेटिंग इनवर्स थ्योरी, इसको पालन करने वाले थे डॉक्टर एलन संडेजा। किन्होंने प्रतिपादन किए, डॉक्टर एलन संडेजा ने। और फोर्थ है अस्थिति सिद्धांत, इन्फ्लेशनरी थ्योरी, इन्फ्लेशनरी थ्योरी जिसका नाम है अलेन कुथ। ये कौन थे, इस सिद्धांत को प्रतिपादन करने वाले साइंटिस्ट हैं, इन्होंने ही प्रतिपादन किए थे। तो अब है ये चार सिद्धांत में जिसमें इम्पोर्टेंट है यूनिवर्स के निर्माण में महाविस्फोट सिद्धांत, बिग बैंग थ्योरी बहुत ही इम्पोर्टेंट माना जाता है। तो आइए देखते हैं महाविस्फोट के अनुसार क्या कहता है। इस सिद्धांत के अनुसार कहता है क्या, वे सभी पदार्थ जिस समय ब्रह्मांड क्रिएट था उस समय सबसे पहले, ठीक है, तो वो क्या था जिनसे ब्रह्मांड बने हुए थे, यहाँ पर है नहीं है बोलेंगे पहले थे, तो वे सभी क्या, अति छोटे गोलक, बहुत ही छोटे छोटे गोलक थे और जो कि एक ही स्थान पे फिक्स था, वही पर रहता था। ठीक है, एक ही स्थान पे स्थित था, जिनका जिनका क्या आयतन जो है बहुत ही सूक्ष्म था, बहुत ही छोटा आकार का था, लेकिन तापमान और घनत्व अत्यधिक था, तापमान और घनत्व जो था बहुत ही अत्यधिक, जिसके कारण संकेंद्री संकेंद्रण के कारण, जिसके कारण संकेंद्र होने के कारण बिंदु जो था आकस्मिक, मतलब होता है अचानक एकाएक, वो क्या हो गया, विस्फोट हो गया। ठीक है, क्या हो गया, अत्यधिक संकेंद्र होने के कारण वह बिंदु का क्या हो गया, अचानक विस्फोट हो गया, जिससे क्या कहा गया, जिस विस्फोट को कहा गया क्या, महाविस्फोट, ब्रह्मांडीय विस्फोट। ठीक है, जो अचानक विस्फोट हुआ था उसी का नाम पड़ा महाविस्फोट, ब्रह्मांडीय विस्फोट। और इस विस्फोट को, ये जो विस्फोट है, अभी कुछ समय पहले 2006 ईस्वी में नासा के वैज्ञानिक ने इसे पृथ्वी की गहराई में लगभग 80-90 फीट की गहराई में इन्होंने क्या किया, इसे सफल प्रयोग किया। और इस प्रयोग में उन्होंने ये देखा कि जिस समय ये महाविस्फोट सिद्धांत, महाविस्फोट हुआ, उस समय क्या हुआ होगा, कैसे हुआ होगा। तो उस समय ये और आज भी ये प्रक्रिया जारी हो लगी हुई है, लेकिन पूर्णतः सफलता नहीं मिली है, लेकिन कुछ कुछ इसमें सफलता हासिल किए
हमारे नासा के वैज्ञानिक ने। तो ये स्टार्टिंग हुई थी 2006 में। ओके, तो अब ये सिद्धांत जो है, ये जो सिद्धांत आया ये विस्फोट हुआ इसके अनुसार। अब ये देख लिए, तो अब ये जब विस्फोट हुआ था तो उस समय जितने भी पदार्थ वो क्या हो गया, बिखराव हो गया, छित्रा इधर उधर छित्रा गया। ठीक है, तो जब इधर उधर छित्रा गया तो जिसके कारण वो क्या हो गया, बहुत सी वस्तुएं की निर्माण हुई, बहुत सी वस्तुओं की निर्माण हुआ और काले काले पत्थर का भी वहां पे बना, जिसके समूहन से, जिसके आपस में जुड़ने से, काले काले जो पत्थर बने जिसके आपस में एक दूसरे के जुड़कर बन गया, वही क्या बना, हमारा आकाशीय पिंड बना, हमारा ये ब्रह्मांडीय पिंड। जैसे कि पृथ्वी और जैसे कि जितने भी आप प्लैनेट का नाम सुनते या फिर कोई भी यूनिवर्सल बॉडीज का नाम सुन रहे, तो उन सभी का निर्माण इसी ब्रह्मांडीय महाविस्फोट के अनुसार हुआ है, कारण हुआ है। ठीक है, तो इस सिद्धांत को आपने देखा। और तो आप नेक्स्ट टॉपिक है आपका, नेक्स्ट टॉपिक है कि ब्रह्मांड है जो उसका व्यास कितना है, इसमें मंदाकिनी कितनी है। तो ये जो ब्रह्मांड है इसकी व्यास अगर बताई जाए, ब्रह्मांड ये इसकी व्यास अगर बताई जाए तो 10^8 प्रकाश वर्ष है, 10^8 प्रकाश वर्ष है, लाइट ईयर जिसे इंग्लिश में कहते हैं। पूरे ब्रह्मांड की व्यास अगर पूछी जाए तो क्या जवाब देंगे, 10^8 प्रकाश वर्ष। मतलब ये प्रकाश वर्ष क्या है, प्रकाश वर्ष क्या है, तो एक साल में प्रकाश की जितनी तय की गई दूरी के इक्वल की दूरी को प्रकाश वर्ष कहा जाता है। एक वर्ष में प्रकाश की तय की गई दूरी को, तय की गई दूरी को ही प्रकाश वर्ष कहा जाता है। तो एक वर्ष में कितना वो दूरी तय करता है, तो इतने लगभग में करता है। ठीक है, तो वही आपका क्या है, ब्रह्मांड का व्यास, ब्रह्मांड का व्यास। और नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात किया जाए कि ब्रह्मांड में, ये हमारे ब्रह्मांड में कुल मंदाकिनी की संख्या कितनी है, कुल मंदाकिनी की संख्या अगर बात किया जाए तो 100 अरब है। हमारे पूरे ब्रह्मांड में कितने मंदाकिनी होंगे, तो 100 अरब होंगे। कितने होंगे, तो अब सबसे पहले आपका बात है व्यास, किसका व्यास है, तो ये ब्रह्मांड का व्यास है, कितना है, 10^8 प्रकाश वर्ष, प्रकाश वर्ष। अभी आपको पता हो गई कि प्रकाश वर्ष क्या है, प्रकाश वर्ष एक साल में प्रकाश की तय की गई दूरी को प्रकाश कहा जाता है। ठीक है, अब है कि ब्रह्मांड में मंदाकिनी की संख्या कितनी है, मंदाकिनी की संख्या कितनी है, तो 100 अरब हैं। लगभग अनुमानता माना जाता है कि हमारे ब्रह्मांड में मंदाकिनियों की संख्या 100 अरब हैं। और प्रत्येक मंदाकिनी में, प्रत्येक मंदाकिनी में एक मंदाकिनी का मतलब अगर है तो प्रत्येक मंदाकिनी में 100 अरब तारे हैं, 100 अरब तारे। ठीक है, अगर बात किया जाए कि ब्रह्मांड में मंदाकिनियों की संख्या 100 अरब, एक मंदाकिनी में कुल तारे की संख्या 100 अरब। ठीक है, अनुमानता लगभग है और ये भी लगभग है, क्योंकि एग्जैक्टली तो संख्या गिन नहीं सकते हैं। तो अब है कि ये मंदाकिनी होता क्या है, मंदाकिनी किसे कहते हैं, ये मंदाकिनी की क्या परिभाषा होती है। तो मंदाकिनी होता है तारों का वैसा समूह, तारों का वैसा समूह है, एक कलेक्शन है, कलेक्शन ऑफ सच स्टार, वैसा समूह जो क्या होता है, जो तारों के निर्माण प्रक्रिया में, जब तारा बनता है उस निर्माण की प्रक्रिया में, और साथ साथ में ये है मंदाकिनी जो तारों का समूह है और जो दिखने में कैसा प्रतीत होता है, धुंधला होता है। कैसा लगता है दिखने में, धुंधला प्रतीत होता है, दिखाई पड़ता है। ठीक है, दिखाई कितना कैसा पड़ता है, धुंधला, मतलब एकदम पूरा एग्जैक्टली साफ साफ नहीं दिखाई पड़ेगा, वो हल्का हल्का धुंधला होगा। ठीक है, तो आप कहता है धुंधला दिखाई पड़ेगा साथ साथ में क्या, इसके साथ भी जब तारा का निर्माण प्रक्रिया होती है तो उस समय वे क्या होते हैं, गैस पुंज
साथ होते हैं। गैस पुंज मतलब गैस पुंज, वहां पे गैस का कलेक्शन होता है। और हम लोग जानते हैं कि तारा जो है उसकी अपनी लाइट होती है, तो लाइट होगी किसके माध्यम से, गैस के माध्यम से। मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि सन जो है क्या है, एक स्टार है। तो स्टार है तो इसका अपना लाइट है कि नहीं है। तो उसी प्रकार से यहाँ पे जब ये तारों का समूह जो होगा वो दिखने में धुंधला प्रतीत होगा, और तारा निर्माण प्रक्रिया में वो गैस पुंज होंगे, जिसे क्या कहा जाता है, मंदाकिनी कहा जाएगा। ठीक है, मंदाकिनी कहा जाएगा। अरे बात समझे। तो अब है क्वेश्चन आपका कि ये मंदाकिनी जो है, और हमारी जो पृथ्वी जहां पे है, जो सौरमंडल में है, उसमें भी एक अपनी क्या है, मंदाकिनी अपनी खुद है। हमारा अपना मंदाकिनी एक है जिसका नाम है, जिसका नाम क्या है, दुग्ध मेखला। दुग्ध मेखला या फिर इसे आकाश गंगा भी कहा जाता है, आकाश गंगा। अब ये दुग्ध मेखला क्या है, आकाश गंगा, दुग्ध मेखला का मतलब दूध के जैसा, दिखने में दूध के जैसा, दूधीय रंग का होता है। तो तब इसीलिए इसको क्या कहा गया, दुग्ध मेखला, मतलब है मिल्की वे, मिल्की वे गैलेक्सी। ये हमारा अपना आकाश गंगा, ये हमारा अपना क्या है, मंदाकिनी है। आकाशगंगा ये हमारी अपनी मंदाकिनी है, जिसे नाम दिया गया एक दुग्ध मेखला या फिर आकाशगंगा। और इसी आकाशगंगा में हमारा सौरमंडल है, हमारा सौरमंडल, और उसी सौरमंडल के अंदर हमारे सभी ग्रह हैं, और जिसमें एक प्रधान भी है, इसका नाम क्या है, सन। ठीक है, तो आपने ये देखा कि ब्रह्मांड का व्यास, साथ में उसका कुल मंदाकिनी की संख्या, और प्रत्येक मंदाकिनी में तारों की संख्या को देख लिए। और आपने देखा कि मंदाकिनी किसे कहते हैं, तो तारों का समूह जो धुंधला दिखाई पड़ता है और तारों के निर्माण प्रक्रिया में गैस पुंज होते हैं, उसे क्या कहा जाता है, मंदाकिनी कहा जाता है। तो अब है कि हमारा उसके सबसे नजदीक कोई ऐसा है मंदाकिनी, तो जी हाँ, आकाशगंगा, हमारा आकाशगंगा जो है, जो अपनी मंदाकिनी है, उसके भी एक नजदीक है जिसका नाम है देवयानी। क्या है नाम है, देवयानी, जिसे इंग्लिश में एंड्रोमेडा कहा जाता है। सबसे नजदीक, सबसे नजदीक मंदाकिनी है किसके नजदीक है, तो आकाशगंगा की। क्वेश्चन अगर कहा जाए कि आकाशगंगा से सबसे नजदीक मंदाकिनी कौन है, तो आप जवाब देंगे देवयानी अर्थात एंड्रोमेडा। अब है नेक्स्ट, आकाशगंगा जो हमारा मंदाकिनी अपना है, इसमें एक ऐसा तारों का समूह है, ठीक है, जो कि क्या है, बहुत ही शीतल और चमकीली है, जिसका नाम है ओरियन नेबुला। जिसका नाम है क्या, ओरियन नेबुला। ये तारों का समूह ऐसा है जो कि क्या है, बहुत ही चमकीला और ठंडी है। तो क्या बोलेंगे इसे, सबसे चमकीली, सबसे चमकीली एवं शीतल तारों का समूह, तारों का समूह। ये तारों का समूह किसमें है, किस मंदाकिनी में, तो ये आकाशगंगा की मंदाकिनी में है, और सबसे ठंडी और चमकीली भी है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कि ये जो हमारा आकाशगंगा है मंदाकिनी, इसका आकार कैसा है, इसे सबसे पहले देखा किसने, तो आकाशगंगा का जो आकार है, जितना भी अभी तक हम लोग को मिला है, हम लोग के वैज्ञानिकों को मिला है, प्राप्त हुआ है, उसका 80% भाग क्या है, सर्पिला है। कितना भाग है,
आकाश गंगा का आकाशगंगा का 80% भाग कैसा है? सब पीला है। कैसा है? सर पीला। ठीक है। और इस जो ये आकाशगंगा हमारा है, इसे सबसे पहले देखने वाले कौन थे? तो उस व्यक्ति का नाम, उस साइंटिस्ट का नाम गैलीलियो था। किन्होंने देखे सबसे पहले? गैलीलियो ने। आकाशगंगा को सर्वप्रथम देखने वाले वैज्ञानिक का नाम गैलीलियो। उसका आकार कैसा? सर्पीला। आकाशगंगा का सबसे चमकीला तारों का समूह कौन सा है? ओरियन नेबुला। ओके तो बच्चों और मेरे प्यारे दोस्तों, अब हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोग से मिलेंगे सौरमंडल के बारे में। सौरमंडल क्या है? सौरमंडल में कौन से ग्रह किस जो सूर्य के कितने दूर पर है और किस प्रकार के वहां पे चक्कर लगा रहे सूर्य के चारों, और डायरेक्शन वहां पे कैसा है, तो हम इन सभी बातों को हम बात करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और आपने फर्स्ट वीडियो में जो देखा था, आप उसे अच्छी तरह से याद रखिएगा, और इस वीडियो में जो हम लोग ने देखा उसे भी आप अच्छी तरह से रिवीजन कीजिएगा। ओके, अच्छा अगर लगा होगा तो आप वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि मुझे आपको पढ़ाकर कैसा लग रहा है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।